नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप एक बार में ही गाड़ी को अच्छे से सही कर सकते हो। और कुछ मैं बेयरिंग का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है, बेयरिंग को किस तरीके से सफाई करते हो, उसके बारे में आज आपको पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मैनुअल के अनुसार पूरा बता रहा हूँ जो ट्रेनिंग में रहते हैं। यदि आप एक अच्छे मैकेनिक बनना चाह रहे हो, इस ट्रेनिंग के मैनुअल के अनुसार यदि आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे सहायता मिलेगी इस ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले आप अच्छे मैकेनिक बनना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत काम कर रहे, तो ये बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है, आप कोई कस्टमर है, गाड़ी लेके आया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तभी वो लेके आता है। तो सबसे पहले क्या करो, आप गाड़ी लेके आ दो, कस्टमर से पूछो। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अंडरस्टैंडिंग, यानी उसकी समस्याओं को पूछो। कौन कौन सी समस्या रहती है, मान लो गियर शिफ्टिंग गाड़ी जो बताएगा, तो उस बताएगा तो आप उससे कुछ क्वेश्चन भी करो। उससे पूछो कि जो समस्या आ रही है किस कंडीशन में आ रही है, कौन से गियर में आ रही है, गियर गियर यदि प्रॉब्लम कर रहा है तो कौन से गियर में आ रही है, कितनी स्पीड चलने पर प्रॉब्लम कर रही है, रोड की कंडीशन कैसी है तब प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको जनरल क्वेश्चन पूछोगे तो आपको 50% समस्या को समाधान तो इसी बातों से पता चल जाएगा। ठीक है, मान लो वो बोलने लगा कि मेरे गियर हार्ड हो रहे हैं, तीसरे के गियर पे चलाता हूँ तो हार्ड होते हैं। मान लो वो बोलता है कि मेरे ब्लैक धुआं दे रही गाड़ी या ब्राउन धुआं दे रही, तो आप उसको सबको फिर ध्यान से कैचअप करो, उसकी बातों पे ध्यान दो। इसके बाद वो कहता है कि मेरे ऑयल लीकेज हो रहा है इंजन के ऊपर से ऑयल, तो जो भी समस्या है उसको अच्छे से समझो। समझने के बाद उसको फिर कंफर्म करो। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, कंफर्म माने इसको गाड़ी के चला के लेके आओ, 1 किलोमीटर चाली चलाओ, 2 किलोमीटर चल के गाड़ी चलाओ, जो उसने बताया उस कंडीशन में गाड़ी चलाओ। इसके बाद फिर कस्टमर को बिठा के गाड़ी चलाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को गाड़ी बिठा के चला के आओ। इसके बाद निश्चित कर लो कि हाँ भैया जो आपने बताया उसको, फिर फोर्थ रेखा उसको अच्छे से लिख लो। लिखने के बाद क्या रहता है, हम भूल जाते हैं कभी कभी, काम करते करते भूल जाते हैं, वो समस्याएं फिर बनी रहती है। फिर वो कहता है तूने क्या सर्विसिंग की है यार, मेरे तो वही प्रॉब्लम है। तो जो भी समस्या कस्टमर ने बताई उसको अच्छे से एक पेपर पर लिख लो। लिखने के बाद फिर उसको ऊपर डायग्नोसिस करो, उसने बोला कि ब्लैक धुआं दे रही है गाड़ी, तो समझ जाओ कि आपका कार्बोरेटर की वजह से ब्लैक धुआं दे रही है। बुरा धुआं दे रही है तो समझ जाओ कि उसके अंदर का जो ऑयल और पिस्टन की जो रिंग रहती है वो ख़राब हो गई, या उसके अंदर जो गास्केट लग रहती है वो ख़राब हो गई। तो ये डायग्नोसिस आप बैठ कर करो, विचार करो, विचार करने के बाद फिर आपको काम करना है। तो 5 रहता है रिपेयरिंग का काम करना, रिपेयरिंग का काम अच्छे से करना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है उसके अनुसार काम करना। क्योंकि आप स्टैंडर्ड अनुसार काम करोगे, टेस्टिंग इक्विपमेंट से काम करोगे, तो आपको जल्दी समस्या आ गई, कौन सा स्पेनर लगेगा यानी पाना लगेगा उससे काम करो। तो जो भी उसने समस्या बताई उसको बारी बारी से अच्छे से सही करो। सही करने के बाद आपने पूरे देख लिया, उसने जो समस्याएं लिखाई उसको उसको एक एक पढ़ लिया आपने, उसको समस्याओं को आपने सही कर दिया। इसके बाद रहता है आपको गाड़ी को चला कर कन्फर्म करना एक बार, फिर गाड़ी को चला के आओ, कन्फर्म करके आओ कि हाँ कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। फिर कस्टमर को आप बिठाओ, बिठाने के बाद उसको चेक कराओ कि भैया आप बताओ मेरे साथ चलो, कोई समस्या नहीं है, देखो गाड़ी चला के देखा है उसने, हर एक कंडीशन में गाड़ी चला। इसके बाद ग्राहक संतुष्ट हो जाता तो आप भी संतुष्ट हो जाओगे, यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ तो आप भी संतुष्ट नहीं होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ग्राहक को संतुष्ट करना। यदि वो कह रहा है हाँ बहुत बढ़िया आ रहा है यार तूने, कितना अच्छा गाड़ी कर दी, इसके बाद उसको शिक्षित करो, एजुकेट करो कि आप हर 2500 से 3000 किलोमीटर पर गाड़ी की सर्विस कराओ। ठीक है, टाइम टू टाइम ब्रेक लगवाओ, इसके बाद आप हाफ क्लच में ना चलाओ, और जो भी प्रॉब्लम रहती है और आप क्लच को दबा कर ना रखो तो क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती है। तो आप उसको एजुकेट करोगे तो उसको कहेगा अरे तो बहुत अच्छा मैकेनिक है, मेरे को समझ आता भी है। इसके बाद फिर आप उसको डिलीवर कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग देखना है, उसको समझना है, समझने के बाद फिर कन्फर्म करना है, गाड़ी चला के देखना है, इसके बाद फिर अच्छे से रिकॉर्ड करना है, लिखना है उसकी जो भी समस्या है उसको समाधान के लिए रिकॉर्ड करना है, लिखना है। इसके बाद फिर उसके ऊपर विचार करना है कि मैं किस तरीके से उसको काम करूं। काम करने के बाद काम करूंगा, काम करने के लिए फिर आप अच्छे से काम करो, जो कंपनी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है उससे काम करो। काम करने के बाद जो भी आपने गाड़ी को काम किया उसको फिर आप एक बार और कंफर्म करो, चला के देखो, फिर ग्राहक को भी चलवाओ। इसके बाद ग्राहक संतुष्ट हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाओगे, इसके बाद उसको डिलीवर कर दो। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो बाइक रहती है उसके अंदर जो बेयरिंग रहती है ना, उसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहती है बेयरिंग को सफाई करने की। तो मैं आज आपको बेयरिंग की सफाई करके बताता हूँ किस तरीके से सफाई करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप बेयरिंग को खोलो तो बेयरिंग के ऊपर के जो कवर रहते हैं ना उनको निकाल लो। निकालने के बाद एक यानी पेचकस से निकाल लो। निकालने के बाद देखो ये बहुत टाइट है, ये चल नहीं रहा आपके सामने, ये बिल्कुल
अब आपको क्या करना है, मेरे पुराना वेरिंग तब निकाल के आया, वो आपको बस मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं किस तरीके से आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है बेरिंग को क्लीन करने का। तो सबसे पहले पेट्रोल लो, उसके अंदर ऑयल मिला लो, जो इंजन ऑयल रहता है उसके अंदर फिट कर लो। फिट करने के बाद आपको क्या करना है, एक ब्रश जरूर रखना आपको साथ में, उसको पहले अच्छे से ऑयल पेट्रोल को इसके चारों तरफ अच्छे से भर दो। वो सारा कचरा गंदगी निकलेगी, काला निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा एक बार कर फिर इसको मैस थोड़ा ठोको इसे, जो कंपनी का प्रोसीजर रहता है उसको ठोको। ठोकने के बाद उसके बाद अच्छे से ऑयल भी डालो, यदि आपके पास ज़्यादा ऑयल है पेट्रोल है तो उसको आप इसके ब्रश की सहायता से अच्छे से साफ करो, रगड़ लो। ठीक है, आपको लग जाएगा हाँ भैया देखो फ्री हो गया, थोड़ा रगड़ लिया। रगड़ने के बाद क्या रहता है, इसके ऊपर ग्रीस कभी नहीं लगाओ आप, इसको एक बार और आप अच्छे से सफाई करो। सफाई करने के बाद इसको फिर थोड़ी देर सुकून रख दो, थोड़ी देर रख दो। रखने के बाद आपको क्या करना है, जो 90 ग्रेड का ऑयल रहता है ऑयल को आप एक थोड़े से डिब्बे में रख लो, उसके ऊपर फिर इसको सफाई करने के बाद इसको डुबो दो। डुबोने से क्या रहता है, इसके अंदर जो ग्रीस रहता है वो ऊपर की साइड ही रहता है, लेकिन इसके अंदर ऑयल डुबोने से क्या रहता है, बेरिंगों के एक एक कोने में ऑयल चला जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद इसको ऊपर बस अच्छे से कर लो। करने के बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सफाई कर लो ऊपर की साइड से, थोड़ा रखने दो, सफाई कर लो। अंदर की साइड सफाई नहीं करना, आपको ऊपर की साइड सफाई करना है। इसके बाद इसको हल्का सा जो अच्छा वाला ग्रेस रहता है उसको उसके ऊपर लगा लो। लगाने के बाद इसको लगा लिया, लगाने के बाद फिर आप उसको फिर घुमा के देखो, देखो बिल्कुल स्मूथली घूम रहा, देखो इसमें नोज भी नहीं आने चाहिए। तो ये एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है बेयरिंग को क्लीन करने की, जो कंपनी की सेटिंग रहती है उसके अनुसार करता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपके जो भी कुछ सुझाव हो वो जरूर देना, आपको कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा गियर शिफ्टिंग हार्ड हो रही तो किस वजह से हो रही, तो मेरे मिलने है स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम जल्दी से पकड़ में आएगी। तो आपको प्रॉब्लम जल्दी से पकड़ में आ गई तो आप आगे एक अच्छे मैकेनिक बन जाओगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने मैकेनिक भाई को भी शेयर करो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।